बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता था। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करेगा, वो गेज प्रेशर को मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा, गेज प्रेशर को मेजर करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं। यहाँ एक कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। गैस है इसलिए इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, तो पूरा इसी पूरे कंटेनर मान सकते हैं एक ही प्रेशर होगा थ्रू आउट। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वही मान सकते हैं यहाँ भी प्रेशर होगा, ठीक। और ये यू ट्यूब है या वर्टिकल ट्यूब है, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी है, तो यहाँ भी प्रेशर वही होना चाहिए पी, क्योंकि एक लिक्विड में थ्रू आउट अगर लिक्विड एक ही हो तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक ही प्रेशर होता है, ठीक है। ये बात आपको बताई थी, नहीं समझ में आ रही तो भी हम फिर से प्रूफ करके भी दिखा देंगे। हमने क्या बोला, एक लिक्विड में एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक ही प्रेशर होता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको यूज भी बहुत स्मार्टली कर सकते हो। क्या बोला हमने, फिर से बोल दें, एक लिक्विड में एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक ही प्रेशर होता है, ठीक है। समझ में आया, लिक्विड एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, लिक्विड फ्लो करता भी नहीं होना चाहिए, ग्रेविटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये सारी बातें तुम जानते हो। तो यहाँ पे प्रेशर बराबर होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ का प्रेशर P है, और यहाँ का प्रेशर कैसे निकालेंगे, इस जगह से इस जगह तक आए तो हाइट के साथ प्रेशर बढ़, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ लिखा P नॉट प्लस रो जी एच, और इस जगह का प्रेशर P बराबर कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे लिखा आपने, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आओ तुमको बताते हैं कैसे लिखा। देखो इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक इक्वेशन। प्रेशर का जो वैल्यू लिखा जाता है वो डेप्थ के हिसाब से ही लिखा जाता है या फिर हाइट के हिसाब से ही लिखा जाता है। आप याद रखो, ग्रेविटी अगर मतलब लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, केवल ग्रेविटी है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, प्रेशर इंक्रीज करेगा। समझा ना, जिधर ग्रेविटी है उधर ही प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये बात याद रखना, उसके अगेंस्ट प्रेशर घटेगा। तो देखो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, जैसे KVL लिखते थे यहाँ से चल रहे हैं, तो प्रेशर P नॉट, जैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ही यहाँ प्रेशर P नॉट। अब यहाँ से नीचे गए तो प्रेशर बढ़ गया ना, कितना, रो जी एच, और नीचे गए कितना बढ़ गया, रो जी एच वन तक बढ़ गया। फिर ऊपर चले गए, कितना गए, एच वन, तो घट गया, और यहाँ पहुँच गए, यहाँ का प्रेशर कितना है P। इनको कैंसिल कर दो तो क्या मिला आपको, देखो जो मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कि इस जगह प्रेशर सेम होगा, यहाँ प्रेशर P है तो P लिखा था। फिर हमने क्या बोला था, यहाँ का प्रेशर निकालो, यहाँ प्रेशर क्या है, P नॉट से एक्स्ट्रा आ गया डेप्थ H, तो P नॉट लो जी। चाहे इसको आप डायरेक्ट करो, चाहे आप इसको लिख के करो, वैसे तरीका ये वाला ज़्यादा सही है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला मिले तो सॉल्व कर लेना। खैर तो देखो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, सो P माइनस P नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। वॉट इज H, डेप्थ की हाइट, ये जितना फ्लूइड एक्स्ट्रा चढ़ गया था वो। तो ये देखो गेज प्रेशर के प्रोपोर्शनल हाइट आ रहा है, जितना हाइट ज़्यादा चढ़ेगा उतना ज़्यादा गेज प्रेशर होगा, सिंपल, ठीक है। तो हम मैनोमीटर यूज़ करके क्या पता कर सकते हैं, गेज प्रेशर पता कर सकते हैं। अभी इसी से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी कुछ और क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ एक यूट्यूब दिया हुआ है ऐसे, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, और इस साइड वाली जो लिम्ब है ये एल लेंथ तक खाली है। इसमें हमने बोला चलो वाटर भर देते हैं, पूरा ऊपर तक भर देते हैं। तो इस साइड वाली लिम में कितना ये लिक्विड ऊपर राइज करेगा, वो लेवल बताना है, कितना लेवल तक ये ऊपर राइज कर जाएगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, इस वाले लिम में पूरा यहाँ फिल कर दो ऊपर तक वाटर, बताना यहाँ कितना लिक्विड ये राइज करेगा। तो इसी के बगल अगर मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा, लगभग इसी जैसा है, ज़्यादा इमोशनल मत होना मेरी ड्राइंग को लेके, ठीक है ना, क्योंकि मैं नेशनल लेवल का आर्टिस्ट हूँ, क्यों। तो देखो क्या है, यहाँ पे अगर मैंने फ्लूइड भरा है इस वाले में अगर मैं बोलूँ पूरे में वाटर भर दिया, पूरे में यहाँ तक वाटर भर दिया, आप कहोगे ये क्या कर रहे हैं, आप ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस लेवल तक तो वाटर भरोगे, लेकिन ये जैसे वाटर रखोगे तो वाटर के प्रेशर की वजह से थोड़ा दब जाएगा तो ये नीचे तक आ जाएगा, इतना नीचे आ जाएगा, कितना, ये इतना, और ये कितना है x, और ये कितना था पहले l, ठीक, चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। इस फ्लूइड के वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ क्या, जितना पहले था उतनी बाद में रहेगा, और ये ट्यूब थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, तो ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड ऐसे 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 जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा,
और जितना आपने यहाँ दबा दिया है उतना ये उठ जाएगा, उसको बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। क्यों उठ गया ये? क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो था ही ये, अब आपने दबाया है ना, कितना x दबाया है, तो x ये क्या करेगा, फर्दर उठ जाएगा, बस उसको इतने से मतलब है। क्यों? यहाँ तक तो ये था ही, पहले यहाँ तक ये था, आपने x दबा दिया तो x एक्स्ट्रा ये उठ गया, तो ये एक्स्ट्रा x ये उठ जाएगा और यहाँ पे ऐसे, और ये x ये तरह से। मतलब क्या हुआ ये? मतलब ये हुआ, जब आपने l लेंथ तक लिक्विड भरा था, वाटर भरा था, तो ये दब गया था, x दब गया, तो ये यहाँ x इस लेवल से, अपने प्रीवियस लेवल से उठेगा ना, x उठ गया, ऐसा हो जाएगा। तो अब आप देखो कितना ये गया ऊपर, एक्चुअली ये ऊपर गया कितना, ये गया तो x है ना, मेरा क्वेश्चन ही है इस x को पता करना, मतलब इसके लिक्विड को भरने से कितना दबा था बोला जाए वो, या बोला जाए कितना ये उठ गया, वो बातें की ना, वो पता करना था। तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, कि बहुत जगह बहुत सारी किताबों में मिलाएगा कि एक लिक्विड पर इंटरफेस पता करो, वहाँ यहाँ का प्रेशर बराबर कर दो, एक लिक्विड एक प्रेशर, ऐसे अभी हमने भी बताया था आपको, लेकिन ये दो लिक्विड में बिल्कुल सही लग जाएगा कि इस जगह का जो प्रेशर होगा वही इस जगह का प्रेशर होगा। क्यों? यहाँ इस लिक्विड में ये मर्क्यूरी हो या कोई भी लिक्विड हो, इस लिक्विड में जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, बिल्कुल सही बात है और ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको बिल्कुल ही आपको मना करते हैं करने को, आप आँख बंद करो, एक साइड से भागो दूसरी साइड पहुँचो, ठीक है, कैसे वो हम आपको बताते हैं कैसे, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो एक लेवल पे एक प्रेशर, लेकिन हम करने को आपको सजेस्ट नहीं करते हैं, दो तीन लिक्विड आएगा तो गलत करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यहाँ कोई चांस नहीं गलत करने का। देखो समझदार हो, यहाँ चलोगे प्रेशर क्या लिखोगे, पी नॉट, कितना नीचे आए, रो जी एक्स, फिर रो जी एक्स, तो कितना हो गया, टू रो जी एक्स। मैं अब ये चीज़ नहीं लिखूंगा, क्यों, रो जी एच वन पॉजिटिव, और यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो कोई प्रेशर में चेंज होगा नहीं, और फिर क्या जाएगा, माइनस रो जी एच वन, तो देखो लाओ लिख ही देते हैं, अच्छा रो जी एच वन, और यहाँ प्रेशर में कोई चेंज होता नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक ही प्रेशर रहेगा ऐसे से, तो कोई चेंज होगा नहीं, रो जी एच वन हो गया, तो फिर कैंसिल हो गया, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम जाएंगे ऊपर जा रहे हैं तो घट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर जी एल प्लस एक्स इज इक्वल टू पी नॉट, क्यों, फाइनली पहुंचे यहां पे, तो पी नॉट, देखो यहां से यहां गए, ये पी नॉट से पी नॉट कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा, टू रो जी एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर जी एल प्लस एक्स। अब मैंने क्या बोला था, इस लेवल पे प्रेशर, इस लेवल पे प्रेशर सेम होता है, देखो टू रो जी एक्स रो जी एल एक्स L प्लस एक्स ये बराबर होगा, लेकिन ये अभी सही है, बीच में गलत कर दोगे, अगर यहाँ मैं एक और लिक्विड भर देता तो यहाँ यहाँ प्रेशर में बराबर नहीं बोल सकता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट एक ही लिक्विड होना चाहिए, अगर बोलते हो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक प्रेशर तो थ्रू आउट नीचे एक ही लिक्विड होना चाहिए, अगर ये आप ढूंढ लेते हो तो बिल्कुल लिखो ये, लेकिन ये बात अगर आपको ध्यान रहे तो ना, कभी कभी गलत कर देते हैं, तो इसको लिखने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी, फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखना एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक प्रेशर होता है लेकिन एक ही फ्लूइड में, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अब उम्मीद है कि तुम गलत नहीं करोगे, इसीलिए बार बार मैंने रिपीट कर दिया है, टू रो एक्स माइनस रो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू रो डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल हो जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रो डब्ल्यू एल डिवाइड बाई टू रो माइनस रो डब्ल्यू, ये हमारा आ जाएगा एक्स, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें जिगजैग ट्यूब मिली हुई है, इस ट्यूब की लेंथ एल है, इसकी एल है, इसकी एल है, इसमें फ्लूइड रो वन है, इसमें रो टू है, इसमें रो थ्री है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, एक ही लेवल पर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक ही लेवल पर है, हमें बताना है इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर, मतलब ए और बी का प्रेशर बताना है हमें। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे बी का प्रेशर तो हमको पता ही है, क्यों, बी का प्रेशर बोलेंगे, इस बी पॉइंट का प्रेशर तो बहुत आसान है निकालना, बी का प्रेशर है पी नॉट, क्यों, एक लेवल एक प्रेशर, अभी बात हुई थी कभी, है ना, अभी बात हुई थी कभी, एक लेवल पे एक प्रेशर कब बोला था, जब एक लिक्विड हो तब, अलग अलग लिक्विड में अलग अलग प्रेशर होता है, ये लिक्विड कुछ और है, ये लिक्विड कुछ और है, तो ये जो आपने बताया है एक लिक्विड एक प्रेशर, ये गलत है, एक लिक्विड में एक प्रेशर तब होता है जब फ्लूइड सेम हो, यहां फ्लूइड डिफरेंट, तो क्या होगा, तो आप मैनोमेट्रिक इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है, तो अगर मुझे ए का प्रेशर चाहिए तो ए का प्रेशर चाहिए तो यहां से यहां तक भाग जाओ,
और देखो भागने का मतलब आप लेंथ के लॉन्ग नहीं भागोगे, आपको पता है कि प्रेशर का वेरिएशन हाइट या डेप्थ के साथ होता है, लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे ये एच चाहिए, ठीक है, और एच की वैल्यू है एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भाग जाओ और आपको हाइट लिखना है, लेंथ नहीं लिखना। तो मैं ए का प्रेशर लिखूँ तो क्या लिखूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ पी नॉट, ऊपर जा रहा हूँ ना, आपको बताया था प्रेशर काउंटिंग नीचे की तरफ बढ़ती है, तो रो जी एच हो जाएगा, और यहाँ पहुँच गए तो जहाँ पहुँच गए वहाँ का प्रेशर। सो ए का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी नॉट माइनस रो वन जी एल साइन थीटा, ये प्रेशर आएगा। प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस रो वन जी एल साइन थीटा, ये प्रेशर आ जाएगा। हाँ, अगर मुझसे बोले कोई बी का प्रेशर बताओ क्या होगा, तो बी का प्रेशर लिखने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक चलाऊंगा, या फिर बोलूँ मैं यहाँ से यहाँ चलाऊँ, बात देखी है ना। यहाँ से यहाँ होगा तो ए का प्रेशर का वैल्यू भरना होगा, यहाँ से यहाँ होगा तो भी वैल्यू भरनी होगी। तो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ बी के लिए, तो पी नॉट यहाँ का प्रेशर था, हम गए कितना ऊपर गए, रो वन जी एल साइन थीटा, ठीक है, और फिर नीचे आए कितना आए, एल साइन थीटा नीचे ही आए, तो नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, रो टू जी एल साइन थीटा बढ़ गया, और यहाँ पे आ गया यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, ये बी का प्रेशर हो गया। चाहते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे ना, प्रेशर ए का प्लस ये वाला प्रेशर, देखो ये प्रेशर ए का प्लस ये वाला प्रेशर इज इक्वल टू बी का प्रेशर। अब क्या ये पी नॉट के बराबर है, नहीं है ना, ठीक है, जो हम पी बी इक्वल टू पी नॉट बोल रहे थे वैसे थोड़ी ना, पी बी इक्वल टू पी नॉट थोड़ी ना, ये ही अगर कैंसिल हो जाता तो होता, ये कैंसिल कब होता पता है, जब रो वन इज इक्वल टू रो टू हो जाता तो होता, तो रो वन इज इक्वल टू रो टू कर देते तो क्या होता, पी जी बी इक्वल टू पी नॉट आता, मतलब अगर ये लिक्विड सेम हो जाता तब होता ऐसा, अदरवाइज नहीं होता। तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक ही लिक्विड में प्रेशर सेम होता है। और खैर ये सब बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ फालतू वाली चीज़, आप सदा कभी भी लिखना हो तो ऐसे लिख लिया करो, कैसे, जैसे मैंने बताया है आपको मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख लिया करो। मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, नीचे आते हैं तो प्रेशर घटता है, हैं ऐसा होता है क्या, नहीं, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है, प्रेशर ऊपर की तरफ कम होता है, जैसे जैसे नीचे आते हो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक। बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं, आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी और देखते हैं, काफी और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सिंपल मैनोमेट्रिक इक्वेशन यूज करने का क्वेश्चन है। कैसे मैनोमेट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे, वैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या, रो वन और रो टू का रेशियो क्या है, तो ऐसा कुछ बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये सब गिवन है, अल्फा है ये 90 दिया है, तो अकॉर्डिंगली ये अल्फा ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें लिखना क्या है, मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखना, तुम्हें पता है मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखने में हमें फ्लूड की कॉलम की लेंथ या लंबाई नहीं होती, हमें हाइट चाहिए होता है, डेप्थ चाहिए होता है, हाइट चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मैं लिखूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक इस इंटरफेस तक आऊँगा, अगर मैं इस जगह से स्टार्ट करके इस जगह तक आऊँ तो मुझे इस लेवल से मतलब इस लेवल तक का गैप चाहिए, क्यों तुम जानते हो, रो जी एच मान लो कुछ भी होगा, रो जी एच बढ़ेगा फिर ये घटेगा तो इफेक्टिव क्या मिलेगा, ये मिलेगा, समझ रहे हो तुम, ठीक है। ये यहाँ तक गए फिर यहाँ तक आए, तो खैर इस लेवल में प्रेशर का क्या आएगा, रो जी एस टू का फर्क आएगा, जो भी होगा मतलब एस टू चाहिए मुझे। फिर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे ये वाली हाइट चाहिए, पूरी ये वाली हाइट चाहिए, ये इतनी जो हाइट है ये हाइट चाहिए, ये वाली, ये हाइट दो पार्ट में बांट सकते हैं, इतना और इतना, तो मुझे ये हाइट चाहिए पूरा, एच वन चाहिए, ठीक है। अब S2 और H1 की हम कैलकुलेशन लाओ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे S2 निकालने का तरीका क्या है, अगर मुझे ये पता है ये R है और ये 90 माइनस अल्फा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये R cos 90 माइनस अल्फा, अगर मैं देखूँ ऐसे है ये R है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी R cos 90 माइनस अल्फा, मतलब बोल सकते हैं R sin अल्फा, ये इतनी लेंथ R sin अल्फा हो गई। अच्छा अगर ये R है पूरी तो ये R cos अल्फा हो जाएगा, ये पूरा इधर ये इतना R cos अल्फा हो जाएगा, तो इसको बना दें अगर हम तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे है ये अल्फा है ये R है तो ये क्या हो जाएगा R cos अल्फा। सो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ये तो होगा, देखो R cos अल्फा से ये आ गया और R sin अल्फा से ये आ गया, तो ये इतना आ जाएगा H2। अब रही बात H1 की, तो अभी आपने निकाला ना ये लेंथ कितनी है R cos अल्फा और ये इतनी लेंथ क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल देखो अगर ये अल्फा बन रहा है
तो ये वाली लेंथ अगर आर है तो ये वाली लेंथ क्या जाएगा, आर साइन अल्फा। तो एच टू की वैल्यू, एच वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच वन की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी आर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये आ जाएगी एच वन। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया, ये कितना है और ये कितना है, बस इसी में कलाकारी थी, यही कैलकुलेट करना मेरे ख्याल से मेन इंपॉर्टेंट था इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। क्यों, अगर मैं यहां से यहां तक की मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखूं, से यहां का प्रेशर मान लो पी है, तो यहां का प्रेशर अगर पी होगा तो पी लिखोगे, बाई मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिया लिखेंगे, यहाँ पी लिखेंगे, पी से चलना शुरू किए यहां तक आ गए, तो हाइट का कितना आया, डेप्थ में गए ना हम, तो डेप्थ में गए तो क्या लिखा जाएगा, रो टू जी एच टू, और फिर ऊपर जा रहे हैं इसलिए घटेगा, कितना, रो वन जी एच वन, और पहुंचेगा कहाँ, वहाँ पे, पूरा ये एक ही जैसा है, तो यहाँ प्रेशर P, ठीक है, तो ये P से P कैंसिल हो गया, तो रो टू जी एच वन इज इक्वल टू रो वन जी एच वन, मुझे चाहिए रो वन बाई रो टू, तो रो वन बाई रो टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा, यह मैंने एच टू लिखना चाहिए था, एच टू बाई एच वन, ये एच टू बाई एच वन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लाओ लिख देता हूँ, एच टू बाई एच वन, तो एच टू बाई एच वन अगर हम लिखेंगे तो ये एच वन की वैल्यू क्या लेके आए हम लोग यहां पे, आर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं यहां पे, तो एच टू बाई एच वन जो आएगा हमारे पास, एच टू बाई एच वन जो आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन माइनस टैन अल्फा डिवाइड बाई वन प्लस, तो जो हमारा ये एच टू बाई, जो हमारा एच टू बाई एच वन आया, यही हमारा क्या है, रो वन बाई रो टू है। तो इसी से हमने क्या निकाल लिया, डेंसिटी का रेशियो निकाल लिया, बोलो चाहे हाइट का रेशियो निकाल लिया, इसी में को हम एंगल भी पूछ सकते थे, निकाल सकते थे ना कि टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या बोलते, टेन अल्फा इक्वल टू जाता रो वन प्लस वन डिवाइड बाई रो टू प्लस वन, और टेन अल्फा निकाल सकते थे। तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, हाइट निकालने का मेन था इसमें प्रॉब्लम, है ना।